निम्नलिखित में किस रंग की प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? देखिए, अगर किसी प्रिज्म से अगर हम व्हाइट लाइट देते हैं तो इस सात कलर में टूट जाता है। सबसे ऊपर होता है रेड, रेड के बाद ऑरेंज, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन वायलेट ब्लू इंडिगो, आर से हुआ रेड, फिर हो गया ऑरेंज, ऑरेंज फिर ओ वाई हो गया जो येल्लो, येल्लो एंड जी ग्रीन, ग्रीन आई इंडिगो को बी ब्लू, ब्लू भी वायलेट, वेवलेंथ जो है डिक्रीज करता है इधर, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है ऊपर से नीचे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा ऊपर से नीचे। देखिए, इसमें हमारे पास कहता है कि मिन विच ऑफ फॉलोइंग कलर है वीटी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी नीचे बढ़ता है तो सबसे कम किसका होगा? रेड का। रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा? वायलेट का। वायलेट का फ्रीक्वेंसी इसका सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा इसका, हाईएस्ट, इसका फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होगा, लोएस्ट होगा, और उसके बीच में सबका वैरी करेगा। टेक्नोलॉजी डेवलप्ड टू ट्रैक द एनिमी सेरेमनी इन वर्ल्ड वार टू यूज सोनार। इन सोनार, सोनार अल्ट्रा सोनिक वेव इज यूज्ड। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। रिमोट सेंसिंग, देखिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी दैट नोन एज लेडार, एल से हो गया ली डार, एल से हो गया लाइट, लाइट एल आई से लाइट, डी से डिडक्शन, डी डिटेक्शन एन आर से हो गया रेंजिंग। रेंजिंग एल आई डी ए आर, एल आई से हो गया लाइट, आर से हो गया रेंजिंग,
रेंजिंग, डी से हो गया डिटेक्शन, सब दूर संदेह प्रौद्योगिकी में लीडर का अर्थ होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। भारती द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटेक्टेड ऑन मास कॉलेज द ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स एक्ट ऑन एनी बॉडी बाय द अर्थ अर्थ इज कॉल्ड वेट, इसी को ग्रेविटी भी कहते हैं, ग्रेविटी, ग्रेविटी दो नाम इसका है, वेट ऑफ बॉडी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी वस्तु पर अर्थ जोड़ा जो लगता है उसको हम लोग वेट कहते हैं। प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ द साइड हो, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, लाइट जा रहा है तो इस प्रकार से जा रहा है, तो यहाँ ये जो बना ये शैडो हुआ, शैडो इतना दूर लाइट, क्यों इधर जो जाएगा वो सब लौट जाएगा, लाइट लौट जाएगा इधर, यह जो सब लौट जाएगा, इतना रीजन में लाइट नहीं पहुंचेगा, इसी को साइडो कहते हैं। तो साइडो किस काम करता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन गेशन ऑफ लाइट इज ए काउच ऑफ साइडो। प्रेशर इज वेली मेजर, देखिए प्रेशर इक्वल टू होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो किससे रिलेटेड है, फोर्स एंड एरिया से, प्रेशर प्रेशर इज रिलेटेड विथ फोर्स एंड एरिया। प्रेशर जो है फोर्स और एरिया से रिलेटेड। वाटर ड्रॉपलेट काउ द रेनबो ड्यू टू द, देखिए रेनबो का तीन कारण होता है, रेनबो इसमें क्या क्या कारण होता है, पहला रिफ्रैक्शन, दूसरा डिस्पर्शन, सन तीसरा काउज होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, तीन काउज होता है रेनबो का, इसमें दो ही काउज दिया गया है ऑप्शन लाइट, तो इसी को मारेंगे, तीन काउज होता है इसमें,
गैलन जो है वॉल्यूम का यूनिट है, गैलन इज ए यूनिट यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड इट इज यूज टू इट इज It is used to measure volume of liquid. इसको liquid liquid के measure करने के लिए किया. Which of following color has least wavelength? तो अभी लिखे थे, देखिए सात कलर होता है, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन इंडिगो डिगो एंड वायलेट. वायलेट कहता है बीच कलर जो है सबसे कम होता है, तो वेवलेंथ नीचे जाता है तो टिकट करता है. वेवलेंथ लेंथ डिक्रीज फ्रॉम रेड टू वायलेट, इसका सबसे लिस्ट होगा लिस्ट, इसका ग्रेटर होगा सबसे ज्यादा, बाकी के ही दोनों के बीच में बताए ऊपर से नीचे घटता है. तो पूछ रहा है किसका लिस्ट होगा, तो वायलेट का लिस्ट होगा. डायमेंशन देखिए, न्यूटन लॉ ऑफ फ्रॉम न्यूटन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टेशन एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर. तो यहां से जी बराबर हो गया एफ आर स्क्वायर जी, एम का होता है एफ का होता है यूनिट एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर बटे एम इंटू एम, एम से एम एक कट गया तो बच गया एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू. इसका क्या हो गया एम माइनस वन टी माइनस टू. Which of the following branch physics related to the study of heat? देखिए इसमें हम किसका स्टडी करते हैं, लाइट का. ऑप्टिक्स में हम लाइट पढ़ते हैं, एक्यूस्टिक्स में हम साउंड पढ़ते हैं, इसमें हम साउंड पढ़ते हैं. ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है, मॉडर्न फिजिक्स में. आई जो है इसमें हम हीट पढ़ते हैं, हीट. थर्मो का मतलब ही होता है थर्मो डायनेमिक्स, डायनेमिक्स इस थर्मो मतलब ही हीट होता है हीट. और डायनेमिक्स माने मोशन, हीट का मोशन के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे. डायनेमिक्स माने मोशन और थर्मो माने हीट, तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ते हैं हीट के बारे में. इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द पर्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड,
जो थर्मोस्टेट कहते हैं, जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, द इंस्ट्रूमेंट रेगुलेट रेगुलेट द टेम्परेचर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोस्टेट। थर्मामीटर से तीनों है जो है टेम्परेचर नापते हैं, तीनों से टेम्परेचर। इससे हाई टेम्परेचर इससे नापते हैं, हाई टेम्परेचर सबसे नापते हैं। तीनों थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। बीच ऑफ फ्लोइंग कंडक्टर देखिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, कौन विद्युत आवेश का संवाहक है। तो देखिए बाकी जो है कॉपर, क्या है कॉपर, ये मेटल है, मेटल बीच हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है, हेंस कॉपर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बाकी तीनों नॉन कंडक्टर है। देखिए एंटी पार्टिकल कहते हैं कि दो पार्टिकल अगर कोलाइड करे तो आपस में खत्म कर दे। देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है एंड पॉजिट्रॉन है, टकराएगा तो क्या दे देता है, गामा, टू गामा रे, गामा रे। तो मास खत्म हो गया, दो दो पार्टिकल मी के एक दूसरे को खत्म कर दे उसको हम कहते हैं जो है एंटी पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन है, जो पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन ये दोनों टकराता है तो गामा रे देता है, तो पॉजिट्रॉन ट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन है जो एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डबल देन मेंटेन द सेम पोटेंशियल। देखिए हम जानते हैं कि आई इक्वल टू करेंट इक्वल टू पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंट बटे रेजिस्टेंस। आई इक्वल टू वी बाई आर, तो आई वन इक्वल टू हो जाएगा वी बाई, क्योंकि वी सेम कहता है तो आप वी नहीं चेंज करेगा, वी इज सेम, वी इज कॉन्स्टेंट है। तो दोनों में हम देखिए आई टू बराबर लेंगे भी तो भी सेम रखेंगे, आर टू करेंगे तो कहता है। अब दोनों के डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन वन इक्वेशन टू को,
डिवाइड कर दीजिएगा तो आई वन बटे आई टू इक्वल टू हो गया आर टू बाई आर वन। अब आई कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डबल, तो आर टू इक्वल टू दिया हुआ है टू आर वन, आर टू इक्वल टू टू आर वन, तो आर वन कट गया तो क्या हो गया आई टू इक्वल टू आई वन बाई टू, मतलब करंट आधा हो गया, डिक्रीज बाई हाफ, करंट आधा हो गया। प्रतिरोध को दुगना करेंगे आप पोटेंशियल नहीं बदलेंगे तो तो यहाँ से जो साउंड अगर यहाँ जाता है, यहाँ से लौट के आता है और उसी का आवाज उसी को सुनाई देता है तो उसको इको कहते हैं। अब हमारे पास ही मान लिया एक डिस्टेंस डी चला और तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डी या वेलोसिटी वी है तो क्या हो जाएगा टाइम बराबर टू डी बाई वी। तो हमारे पास टी बराबर क्या हो गया, डी बराबर हो गया वी टी बाई टू। साउंड का वेलोसिटी जो होता है 332 और टी जो होता है 1/10 होता है बाई टू, एक 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 छो छो सोलह पॉइंट सिक्स मीटर। देखिए इसके आसपास है जो 6.2 मीटर है। तो इतना दूरी पर जब रहेगा, क्योंकि हमारे पास टी जो 1/10 है इसको क्या कहते हैं, टी इक्वल टू 1/10 इसको कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ हेयरिंग, परसिस्टेंस ऑफ हेयरिंग। जो कोई बात हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग पर 1/10 सेकंड तक रहता है, इसलिए टी का मान हम 1/10 लिए। व्हेन हीटेड टू 10 डिग्री टू 10 डिग्री, देखिए वाटर का जो है वाटर को हीट करते हैं, हीटेड तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक व्हेन
water is heated. Zero degree C to 4 degrees C, volume decrease. फिर 4 डिग्री से आगे बढ़ाते हैं, यहां 10 तक जाना है तो यहां वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज। तो 0 से 4 तक वॉल्यूम डिक्रीज करता है, 4 के बाद गर्म कीजिएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज क्या होगा, डिक्रीज देन बिल इंक्रीज, पहले घटेगा तब बढ़ेगा। क्लियर नाइट आर कॉलर देन द क्लाउडली नाइट बिकॉज ऑफ ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम अर्थ सरफेस। यदि हम एक चुंबक को काटते हैं तो प्राप्त करते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल सेपरेटली, ओनली नॉर्थ पोल ओनली साउथ पोल। जो मैग्नेट के काटिएगा तो देखिए यहाँ दिखाया गया है, यहाँ नॉर्थ बन जाएगा यहाँ साउथ बन जाएगा। जो मैग के काटिएगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ सेपरेटली बन जाएगा। लिखने कौन सा मूल इकाई है, देखिए ये वॉल्यूम का है तो मूल इकाई कौन कौन होता है, फिर से देखिए लेंथ का लेंथ होता है, मास होता है मूल मास, टाइम होता है, टाइम के बाद इलेक्ट्रिक करंट होता है, करंट फिर होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है और टेम्परेचर होता है। देखिए इसमें कौन सी दिया है, मूल इकाई जो इलेक्ट्रिक इसमें दिया हुआ में केवल का इलेक्ट्रिक करंट है। बीच बॉडी पुल एंड पुश, किसी बॉडी को पुल और पुश कीजिएगा तो देखिए इसको ऑब्जेक्ट है, इसको पुल कीजिए तो इधर ही जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, फोर्स एफ लगाएं। अगर पुश भी कीजिए तो फोर्स इधर लगेगा तो वस्तु डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर ही होगा, डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। अब W बराबर होता है वर्क बराबर FD cos थीटा, cos थीटा तो यहाँ थीटा हो गया 0 डिग्री तो वर्क क्या हो गया, वर्क इज पॉजिटिव, काहे जो पॉजिटिव हुआ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन पुशिंग पुशिंग और पुलिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, इसलिए वर्क पॉजिटिव हो गया।